जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए विजयी होती है। मित्रों, मैं आज आप सभी को 2014 के पहले का भारत का परिदृश्य याद कराने आया हूं और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे, जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम, हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी केग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई कूट पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले। और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मुक दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था, उत्तर पूर्व में ध्वज वंदन नहीं करने देते थे, नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए, कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट, सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद। एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़, एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए। और 2014 का जो परिणाम आया वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, और ये 2024 से 2023 का कालखंड हम सब ने देखा है।